टीचर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। वो क्या है कि मुझे एक नई पिल बनाना सीखना है, क्या उसके अंदर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ जरूर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की पिल बनानी है। हाँ टीचर मैं आपको बताती हूँ, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी ग्रेड 7 की स्पिरिट रीइंफोर्सिंग पिल बनानी है। टीमर ने उत्तर दिया, क्या स्पिरिट रीइंफोर्सिंग पिल? उसकी वह बात सुनने के बाद में भी विपिन भी हैरान रह गया। कुछ देर पहले अभी वो हॉल मास्टर से यही बात कर रहा था कि अभी वह स्पिरिट रीइंफोर्सिंग पिल कहाँ से ले सकता है, क्योंकि अभी उसको उसकी जरूरत थी और उसके लिए तो वो अभी एल्केमी गिल्ड के अंदर जा रहा था। बाकी कौन ये जानता था कि वास्तव में अभी सिमर उसके पास भी आएगी और सिमर भी वास्तव में ऐसी कोई पिल बनाने के बारे में सोच रही थी। हाँ टीचर वास्तव में मुझे वही पिल बनानी है, सिमर ने अपना सिर हिलाते हुए पिन से कहा और अपनी आंखों को बड़ी ही मासूमियत के साथ में झपकाने लगी। अच्छा तो ठीक है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्या तुम्हारे पास में उस पिल को बनाने के लिए जो जो औषधि जड़ी बूटियाँ होती है वो सब है? क्योंकि आखिरकार इस वक्त विपिन के पास में ये अच्छा मौका था कि वो भी अभी उस पिल को बना ले, क्योंकि जब अगर एक बार एल्केमी हॉल के अंदर चला जाता तो उसके बाद में उसको वहाँ पर जाने के बाद कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, या अगर वो चाहता तो किसी को बोलकर उसको निर्देश देकर भी वहाँ पर वो पिल बनवा सकता था। हाँ टीचर आप इसकी चिंता ना करें, मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा हुआ है। जिसके बाद में सिमर ने अपने पास में से एक जेट टोकन बाहर निकाला और उसने कहा, टीचर देखिए इसके अंदर उसको बनाने की हर एक चीज लिखी हुई है, इसके अंदर उसकी पूरी विधि अच्छे तरह से लिखी हुई है। उसके बाद में विपिन ने भी अब सिमर के हाथ के अंदर से वो जेट टोकन ले लिया और उसके बाद में उसके ऊपर हाथ फेरते हुए उसने जल्दी से अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर देखा तो उसने पाया कि वास्तव में उसके अंदर स्पिरिट रीफोर्जिंग पिल बनाने का तरीका लिखा हुआ था। क्योंकि विपिन वैसे भी एक 7-स्टार केमिस्ट था तो उसके साथ में उसको उस गोली बनाने के फॉर्मूले को सही से करने का समय नहीं लगा। विपिन जहां पर उसे पढ़ रहा था उसके बाद में जल्दी से सिमर ने अपनी कलाई को झटका दिया और स्टोरी रिंग के अंदर से औषधि जड़ी बूटियां निकाल दी और उससे कहा, टीचर ये रही ये सभी औषधि जड़ी बूटियां जिससे हम उस पिल को बना सकते हैं। अचानक से विपिन के सामने बहुत सारी जड़ी बूटियों का ढेर दिखाई देने लगा था, लेकिन जैसे ही विपिन ने उन सभी औषधि जड़ी बूटियों के ऊपर अपनी एक नजर डाली उसके साथ में पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वो जितनी भी औषधि जड़ी बूटियां उसके सामने पड़ी हुई थी ना वो सभी वास्तव में कई हजार साल पुरानी और परिपक्व थी। विपिन ने उससे पूछा, सिमर अरे आखिरकार तुम्हें ये कहां से मिल गई, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा पुरानी जड़ी बूटियां हैं। कि आखिरकार एक स्पिरिट रीफोर्जिंग पिल बनाने के लिए केवल 50,000 वर्ष की कोई जड़ी बूटी भी चल सकती थी। हाँ अगर किसी को अपनी आत्मा को बहुत ज्यादा मजबूत बनाना होना हाँ तब जाकर वो कहीं पर उस हजार साल पुरानी वाली जड़ी बूटी का यूज कर सकता है। कि इस 10,000 या 1,000 गुना के साथ में औषधि जड़ी बूटी की पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये 1,000 साल वाली जड़ी बूटी के साथ में जो गोली यहाँ पर बनाई जाएगी ना कम से कम वह 10 गुना ज्यादा अधिक शक्तिशाली होगी, जिसका प्रभाव शरीर पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला था। हाँ टीचर बात कुछ ऐसी है, जैसा कि आपको पता है कि मुझे अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग चीजों को देखना और वहाँ का अन्वेषण करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए क्या हुआ कि मैंने एक डोमेन खोजा है, वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियाँ मिली थी जिनको मैंने एक साथ ले आई, उसने सिमर ने विपिन को समझाया। मानना पड़ेगा सिमर तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे तुम्हें ये इतनी सारी जड़ी बूटियाँ मिल गई ना, इसके साथ में तो तुम लखपतना हो गए हो। क्योंकि विपिन पहले भी जानता था कि जो सिमर थी ना वह कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसको तो अलग अलग जगहों पर जाना और वहाँ की चीजें खोजना पसंद था, जिसके बावजूद ही तो वहाँ पर मास्टर ग्रैंड मास्टर कृष्ण को वह ढूंढवाने में कामयाब हो पाए थे और उन्हें उस प्राचीन गुफा के अंदर से बाहर निकाल पाए थे। सिमर ने विपिन से पूछा, टीचर क्या ये सभी औषधि जड़ी बूटियाँ जिस गोली को हम लोग बना रहे हैं उसके लिए ठीक रहेगी? अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अरे ये कोई गोली नहीं, ये गोली से आकार गोली बन जाएगी, इसके साथ में तो तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि इसके साथ में हमें कई गुना अधिक शक्तिशाली गोलियां प्राप्त होगी। हालांकि ये जितनी भी औषधि जड़ी बूटियां है ना ये बहुत ही ज्यादा मूल्यवान और इनके अंदर कई ज्यादा खतरनाक शक्तियां भरी हुई है, इसी वजह से तुम्हें इनकी एनर्जी को संभालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
क्योंकि जब तुम इनको गोलियां बनाओगी तो उसके साथ में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी कोई गलती से ही तुम पूरी तरह से वहीं पर ही उड़ा दी जाओ। और इसके अलावा जब तक तुमने जो फॉर्जिंग टेक्निक है उसको अच्छी तरह से यहाँ पर कर लिया ना, तो उसके बाद में मैं तो सोच भी नहीं सकता कि किस तरह की गोली तुम्हारे सामने बनकर आएगी। सच में टीचर, सही में ऐसा ही हो सकता है। विपिन की वो बात सुनने के बाद में सीमा बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई थी। हाँ हाँ सही में, चलो फिर एक मिनट रुको, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसके बारे में बात हम बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जितनी भी जड़ी बूटियां है ना, ये बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो चुकी है, यानी बहुत ज्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से इसको बनाने की जो टेक्निक है उसके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसे बनाना शुरू कर दिया ना तो 101% कढ़ाई यहीं पर ही फूट जाएगी। और कुछ ही समय के अंदर उसने उस पूरी टेक्निक को बदल दिया था जिस तरह से फॉर्जिंग टेक्निक बनाई जाती है। उसके बाद में विपिन ने जल्दी से गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बाहर निकाल लिया और पूरी जगह को एक बिल्कुल फॉर्जिंग करने वाली जगह की तरह बना दिया, यानी कि गोली बनाने वाली जगह जहाँ गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई एक हथियार बनाने वाली कढ़ाई थी। हालांकि उसके साथ में कुछ फॉर्मेशंस का यूज करते हुए उसको एक गोली बनाने वाली कढ़ाई भी बनाया जा सकता था, जिसके साथ में उसके अंदर का तापमान भी नियंत्रित किया जा सकता था। ठीक है, और गोली बनाने के लिए आप इस गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का यहाँ पर यूज कर सकती हैं। इससे जो हमारे फटने की संभावना होगी ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और हमें ज्यादा खतरा भी नहीं रहेगा। विपिन की बात सुनने के बाद में सिमर ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ ठीक है टीचर, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर सारी तैयारी हो जाने के बाद में विपिन ने अपने स्टोरेज रूम के अंदर से एक ब्रश और एक कागज बाहर निकाला और उसके ऊपर पिल बनाने की सारी विधि लिख दी और उसको उसने सिमर को दे दिया। उसके बाद में सिमर ने उस लिस्ट को पढ़ा और उसके बाद में फिर उसने भी वहाँ पर काम शुरू कर दिया। और उसके साथ में विपिन वहाँ पर उसको कहीं कहीं पर निर्देश भी दे रहा था, जिसके साथ में वह सुचारू रूप से आगे बढ़ रही थी। जल्द ही कढ़ाई का ढक्कन खुल गया और अचानक से उसके अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा का धमाका होता है, जिसके कारण उनके चेहरे के ऊपर एक फीकी फीकी सी स्माइल आ जाती है। लेकिन अगले ही पल अचानक से कढ़ाई का ढक्कन खुलने की वजह से उसके अंदर जो गोलियां थी ना वह निकलकर भागने लगती है। कैसी ग्रेडेड की गोलियां! विपिन की आंखें चमक उठी। जल्दी से उसने अपना हाथ लहराया और गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को निर्देश दिया कि वह उन गोलियों को वहां से भागना न दे। इसके साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जल्दी से उछलती है और अपना ढक्कन खोलकर उन सभी गोलियों को वापस से अपने अंदर बंद कर लेती है, जिसके बाद में विपिन ने सावधानी के साथ में उन सभी गोलियों को अपने जेड बोतल के अंदर इकट्ठा कर लिया। विपिन खुश था क्योंकि यहां पर ये केवल स्पिरिट रिइंफोर्सिंग पिल बनाने के लिए ही तैयारी कर रहे थे जो ग्रेड 7 की एक पिल मानी जा सकती थी। हालांकि जो ये गोली बनाने की जितनी भी जड़ी बूटियां थी ना वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और उनके अंदर शक्ति भी बहुत ज्यादा अच्छी से भरी हुई थी। इसी वजह से केवल ग्रेड 7 की गोली को छोड़कर वहां पर एक ग्रेड 7 की कैसी ग्रेड की पिल बन चुकी थी। हाँ, ये कैसी ग्रेड 8 की जो पिल थी ना ये समान उस पिल की जैसी नहीं थी, हालांकि इसके अंदर शक्तियां समान थी और ये उससे भी ज्यादा अधिक काम किया करती थी। सिमर, क्योंकि तुमने इस पिल को अच्छे से बना लिया है और तुम इस पिल को बनाने में इस तरह से कामयाब हो गए हो, तो इसके साथ में मुझे लगता है कि तुमने इसके अंदर महारत हासिल कर ली है, विपिन ने मुस्कुराते हुए सिमर से कहा। उसके साथ में ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई जेड बोतल आगे बढ़ा दी और सिमर को दे दिया। गोली कैसी ग्रेड 8 की थी और उसके साथ में जो उसके ऊपर प्रिंट्स बने हुए थे ना वो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे थे। उसके ऊपर ऐसा था जैसे कि आसमान छपा हुआ हो, उसके ऊपर बादल छपे हुए थे, सुंदर सुंदर आकाशी की गई थी। गोली को भी अलग अलग स्तर के अंदर विभाजित किया जा सकता है, गठन, तृप्ति, पूर्णता और खुदा गोली, क्योंकि अभी सिमर यहाँ पर खुदा गोली को बना पाने में कामयाब हो गई है, तो इसके साथ में उसकी इसके अंदर विशिष्टता बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। और जब तक सिमर इन सारी चीजों को अच्छे से अपने पेट के अंदर पचा लेती है ना, तो उसके बाद में वह अच्छे खासे स्तर के ऊपर पहुंच जाएगी। टीचर, ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ही मैं इस ग्रेड की यहाँ पर पिल बना पाने में कामयाब हो पाई हूँ, सिमर ने मुस्कुराते हुए विपिन से कहा। और हाँ, इसी वजह से मैं आपको ये सारी गोलियाँ बाहर के अंदर देना चाहती हूँ। ये साथ में सिमर ने जल्दी से जेड बोतल आगे बढ़ा दी और वह विपिन को देने के लिए मुस्कुराने लगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सिमर को ऐसा करते हुए देखकर विपिन ने अपना हाथ हिला दिया और उससे कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुमसे ये सारी गोलियां नहीं ले सकता, क्योंकि ये गोलियां बहुत ही ज्यादा कीमती भी है।
क्योंकि बात भी कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि इन सभी गोलियों को वहाँ पर सिमर ने बनाया था और इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ लगाई गई थी ना, वो भी सिमर के द्वारा वहाँ पर लाई गई थी। इसी वजह से भले वहाँ पर कुछ भी हो, चाहे उसने वहाँ पर उसको मार्गदर्शन क्यों ना दिया हो, वह वहाँ से उससे वह गोलियाँ नहीं ले सकता था। क्यों टीचर, बट आपको ये लेनी होगी। सिमर पीछे पड़ गई, हालांकि ये देखते हुए कि विपिन ये मानने को तैयार नहीं था, इसी वजह से उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है टीचर, तो ऐसा करते हैं ना, आप 5 गोली ले लीजिए और इनमें से एक गोली मैं रख लूंगी। हाँ, अगर आपको अभी भी इन सभी को लेने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट हो रही है तो ऐसा क्यों नहीं करते, आप इनके बदले मुझे स्पीड स्टोर्स दे दीजिए। वहाँ पर सिमर अभी विपिन के विचारों को समझ चुकी थी, क्योंकि आखिरकार वो उसकी एक हाफ स्टूडेंट बन चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से ऐसा कुछ भी नहीं ले सकता था। इसी वजह से उसने अपना दिमाग चलाया और उससे स्पिरिट स्टोन की मांग कर ली, और जल्दी से उसने एक पिल बाहर निकाल ली और 5 विपिन को दे दी। हालांकि ये देखते हुए कि सिमर भी अब जीत के ऊपर अड़ चुकी थी, इसीलिए विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, तो ठीक है फिर मैं इसको ले ही लेता हूँ। वैसे भी विपिन को अभी उस पिल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी, और वो जानता था कि ये जो ग्रेड 8 की गोलियां बनाई गई है ना, वो उसको संत लेवल स्टेज 3 के शिखर के ऊपर पहुंचाने में मदद करेगी। इसके बाद विपिन ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक और स्टोरी रिंग निकाली, जिसके अंदर 10,000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे और वो उसे वहाँ मुख्यालय के अंदर से प्राप्त हुए थे। उसने जल्दी से वह सिमर को पकड़ा दी। सिमर ने भी अब विपिन के हाथ से वह स्टोरी रिंग स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वह जानती थी अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसके टीचर वहाँ पर उसे वह नहीं लेते। हालांकि उस स्टोरी रिंग को अंदर रखने के बाद में फिर से सिमर के दिल के अंदर बहुत से ख्याल आने लगते हैं, और उसके साथ में एक भोला सा चेहरा बनाते हुए और चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान लाते हुए वो मुस्कान ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसका मन अभी शैतानी करने का हो रहा हो, और उसके गाल थोड़े से लाल लाल भी थे। उसने कहा, टीचर आपने कुछ देर पहले ऐसा कहा था ना कि अगर कोई भी मुझको परेशान या कोई भी धमकाने की कोशिश करे तो आप उसको वहाँ पर सबक सिखाएंगे, क्या आप इसके बारे में सच कह रहे थे? हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसकी वह बात सुनकर कि ये देखते हुए कि उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि वापस से वह ऐसे बेतुके सवाल पूछने लगेगी, विपिन वहाँ पर हैरान रह गया था। वो परेशान भी हो रहा था, लेकिन वहाँ पर वो क्या ही कर सकता था। और कुछ देर की शर्म पर बाद में चुप रहने के बाद उसने कहा, हाँ हाँ मैं वास्तव में सच कह रहा था, यदि वास्तव में आपको किसी ने यहाँ पर मारने पीटने या चोट पहुँचाने की कोशिश की ना, तो मैं आपके टीचर होने के नाते यहाँ पर उसको एक बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और इसी तरह की प्यारी प्यारी और लविंग बातों के साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म होते हुए। गाइस बात कुछ ऐसी, आप बोलते हो ना 6 एपिसोड 8 एपिसोड, तो गाइस 8-6 एपिसोड नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए गाइज यार मत भोला करो, क्योंकि नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये 4 एपिसोड आते नहीं भी बड़ी मुश्किल से आते हैं, और इसके अलावा दूसरा काम भी स्टार्ट करना पड़ता है इसीलिए, ठीक है? चलिए गाइज फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय, सायोनारा।